अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र गांव सेहोर के एक विद्यालय में गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को गुरु के द्वारा कलंकित करने का मामला सामने आया है। सिविलियन विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा ने अध्यापक पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, तो वहीं छात्रा ने घर जाकर अपने परिजनों को टीचर के द्वारा छेड़छाड़ करने की घटना के बारे में बताया, तो वहीं परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो वहीं परिजन विद्यालय पहुंचे, जमकर हंगामा काटा, तो वहीं अध्यापक स्कूल से फरार हो गया। छात्रा के परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी है। तो वहीं छेड़छाड़ की सूचना पर विद्यालय पहुंची पुलिस, परिजनों ने लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटनास्थल पर पहुंचे बीएसए ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच में प्रथम दृष्टि से सही चीजें निकल कर आ रही हैं। टीचर के आचरण के बारे में शिकायतें मिली हैं, हम लोगों की जांच में भी आ रही है। टीचर के खिलाफ हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई करके लोगों में संदेश जाए, स्कूल परिसर में किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किसी तरह का ठीक नहीं है। किस बहाने से बुलाई थी लड़की? उसने बुलाई नहीं थी, तो कोई काम के लिए आई थी ना ऑफिस में। अच्छा, फिर क्या किया? फार्म भरवाने आई, फार्म के लिए आई थी, कागज देने के लिए, फार्म वो छिड़कानी कर रहा था। अच्छा, कौन था वो? स्कूल में क्या करता है वो? पढ़ाता है। पुलिस आई है? पुलिस आई है। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? पता नहीं क्या कह रही है। मैडम, मैडम स्कूल में प्रिंसिपल है, क्या कह रही थी आपसे? स्कूल में प्रिंसिपल मैडम तो बोली थी हमारे एक लड़के से कि पैसा ले दे के फैसला कर ले। अच्छा, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा यार, जाओ, ये तो बात हो रही है, तो छोटी बात होने के लिए। क्या चाह रहे हैं? यहाँ चाह रहे हैं आज मेरी लड़की कल दूसरी की लड़की आई है, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे बुढ़ा है, बुढ़ा तो बुढ़ा तो बुढ़ा है, तो ऐसा करेगा ये? अरे साल का है, दो साल का है, दो का हो तो चार का हो। कौन सी क्लास में पढ़ती है? आठ में पढ़ती है। आज जाने मेरी लड़की के साथ क्या, कल और लड़कियों के साथ करेगा ये? सही बात है, छोटे कांड पे आवाज नहीं। सर, सीहोर स्कूल पे जो घटना हुई है, क्या कहना है सर, आपका क्या कार्रवाई की है? आज अभी हम खंड शिक्षा अधिकारी के साथ यहाँ पर आया घटना की जांच कर रहे हैं। घटना की जांच में प्रथम दृष्टया चीज़ें सही निकल के आ रही हैं। टीचर के आचरण के बारे में शिकायतें मिली हुई हैं और हम लोग की जांच में भी ये चीज़ें आ रही हैं। टीचर के खिलाफ हम लोग निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों में संदेश जाए कि स्कूल परिसर में किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किसी तरह का दुर्व्यवहार ठीक है।